देखें, परिमेय संख्या की दूसरी प्रक्रिया, परिमेय संख्या में एनसीईआरटी के बुक में यह भी दिया गया है, जैसे करी 2 इंटू करी 2 का मान बताना, करी 2 का मान साधारण से है, दोनों कड़ी समान है, इसलिए यह आ जाएगा 4 आंसर। अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आपका क्वेश्चन में 2 प्लस 3 कड़ी 2 दे दिया गया, कड़ी का मान बताना है। तो इस कड़ी को हल करने के लिए हम सीधे इस कड़ी में गुणा करते हैं, 2 प्लस 3 कड़ी 2 बराबर 2 से 2 दूनी 4 प्लस 2 तिहाई 6 कड़ी 2 3 से लेते हैं प्लस 3 से 3 दूनी 6 कड़ी 2 फिर इसमें लेते हैं प्लस 3 तिरी का 9 कड़ी कड़ी में 2 का गुणा हो गया तो 2 आ गया। अब बराबर निकाल लेंगे, कड़ी कड़ी ये दोनों कड़ी समान है और ये जो है गुणा कर दीजिए 4 प्लस 9 दुनी 18 एक साथ हो गया ये प्लस 6 12 कड़ी 2 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 4 22 प्लस 12 कड़ी 2 कॉमन ले लीजिए, यदि कॉमन मिलता हो तो कॉमन 2 ही मिलेगा, 2 ले लीजिए, 2 एक कम 2 प्लस 2 छक्के 12 कड़ी 2 ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये कड़ी के मान हुए, यदि ये भिन्न भिन्न होते हैं तो भिन्न भिन्न चलते हैं। आप देखते हैं अगला स्टेप, परिमेय संख्याएं में जोड़ घटाने गुणे भी भाग होते हैं, जैसे 2/3 प्लस 3/8 ऐसे को लघुत्तम निकालते हैं, 8 3 का सीधा निकाल देते हैं 24 हो गया, 3 8 24 8 बार गया, 8 2 16 हो गया प्लस 8 3 का 24 हो गया, 3 3 का 9 हो गया। अब 16 और 9 जोड़ देंगे, ये हो गया 25/24 ये तो जोड़ हो गए। अब देख लीजिए माइनस के, ये संख्याएं हैं 5 - 3 4। अब इनके हल करना है, इनका एलसीएम ले लीजिए, फिर 5 4 4 बार गया, 4 8 8 4 32 माइनस 4 25 20 5 3 15 कटा दीजिए, 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 12 में से 5 गया 7 बच गया, 2 बचे 1 17/20 ये हो गया आपके, ये आपकी सबसेक्शन माने ऋण है, घटाने का कार्य है, ये घटाने का कार्य होता है। आप इसी के साथ गुणा देख लीजिए, जैसे 8/6 इंटू 2/4 गुणा करना है, गुणा करने में सीधा हो जाता है 8 2 16 / 6 4 24 ये आंसर हो गया, गुणा प्रक्रियाएं हैं।
भाग प्रक्रियाएं देख लीजिए, जैसे 8 बटा 6 भागे 2 बटा 4 बराबर हो जाएगा 8 बटा 6, ये हो जाएगा इनटू, ये चेंज हो जाएगा 4 बटा 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसे छोटा कर देंगे, 2 कम 2, 2 चौक 8, 4 बार हो गया, 2 कम 2, 2 नी 4, 2 3 6, काट देंगे बराबर, 4 2 नी 8 बटा 3 कम 3, ये 3। अब सही में आ जाएगा, 3 2 नी 6, 6 बच गया, 3 3 2 नी 6, 7 8 2 बच गया, 2 बटा 3, ये आंसर होगा आपके भाग के होकर। इस तरह से ये संक्रियाएं होती हैं।